कभी आपने सोचा है कि अगर रेलवे आपको ट्रेन लेट होने के पैसे दे तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तलड्डू। भारत में पहली बार एक प्राइवेट ट्रेन चलने वाली है और जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। नाम तो आपने सुना होगा बहुत बार तेजस एक्सप्रेस का, मगर क्या आपको खूबियाँ मालूम है इसके बारे में? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि तेजस एक्सप्रेस में आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी और क्या सच में रेलवे आपको पैसे वापस करेगा जब भी आपकी ट्रेन लेट होगी। अगर मैं आपको कहूँ हाँ, अब रेलवे आपको पैसे देगी जब भी ट्रेन लेट हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी तबीयत खुश होगी कि नहीं? अगर आप तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं और आपकी ट्रेन अगर 1 घंटे लेट होती है तब आपको मिल सकते हैं 100 रुपये, और अगर आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा लेट होती है तो आपको 250 रुपये तक मिल सकता है। मगर ये सेवा फिलहाल सिर्फ और सिर्फ तेजस के लिए उपलब्ध। तो मन में लड्डू फूटा? आइए अब आपको बताते हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी तेजस एक्सप्रेस के साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का ट्रेवल इंश्योरेंस भी मिलेगा, जो बिल्कुल मुफ्त होगा, एक भी पैसे उसके लिए नहीं लिए जाएंगे, और साथ में मिलेगा आपको सामान का गारंटी भी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये IRCTC वाले कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपका सामान खो जाता है या कोई चोरी कर लेता है तो उस केस में भी आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अब आपके मन में आएगा, छोड़ो यार, सरकारी काम है, 2-4 महीने 2-4 साल तो इनका आम है, इतने में सामान तो क्या कुछ भी ना नसीब होगा। मगर नहीं, IRCTC ने साफ तौर पे बताया है कि अगर आपका सामान खो जाता है और चोरी हो जाता है तो आप डायरेक्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पर दावा ठोक सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, या आप रजिस्टर्ड मेल के थ्रू दावा कर सकते हैं कि भाई आपका कोई सामान खो गया। 2 से 3 दिन में कंपनी को किसी भी हाल में आपका मुद्दा सुलझाना होगा, ये IRCTC ने साफ तौर पर कहा। फिलहाल तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ से नई दिल्ली के लिए बहाल किया गया। अब थोड़ी बात बैठने उठने की कर लिया जाए तो तेजस एक्सप्रेस में एक AC एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें कुल 56 सीटें होंगी और बाकी के 9 अन्य बोगियों में 78 सीटों की सुविधा दी गई, मतलब कि कुल हिसाब से जोड़े तो 758 यात्री होते हैं जो एक बार में जा या आ सकते। ये सुबह के 6:10 में लखनऊ से खुलेगी और आपको 12:25 में नई दिल्ली देगी। तेजस एक्सप्रेस की सुविधाएं आपको सप्ताह में 6 दिन मिलेंगी, मतलब मंगलवार को छोड़ के आपको हर दिन तेजस एक्सप्रेस उपलब्ध। इतना सब कुछ बातें हो जाए और किराए की बात ना हो तो मन में एक आशंका सी रहती है कि पता नहीं किराया कितना हो, हवाई जहाज से तो ज़्यादा हमसे ना मांग लिए जाए। मगर जहाँ तक इसके किराए की बात है तो एक चीज़ साफ है कि इसका जो किराया है वो डायनेमिक है, मतलब ये कि जब ज़्यादा संख्या में यात्री उपलब्ध होंगे तो थोड़ा किराया ज़्यादा होगा और जब यात्री थोड़े कम होंगे तो किराया थोड़ा कम हो सकता है। जैसे आप पेट्रोल की दाम तो देखते ही होंगे, 2 पैसे ऊपर भाग गया, 2 पैसे नीचे भाग गया दिन में, तो वैसे ही इसका भी किराया डायनेमिक होगा जो बढ़ता घटता रहेगा, क्योंकि साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब यात्री की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। मगर एक बात तो है, इस ट्रेन में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपको आमतौर पर हवाई जहाज में ही देखने को मिलता होगा। तो कैसा लगा आपको तेजस एक्सप्रेस, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको इस ट्रेन को लेकर के कुछ जानकारियां पता है तो वो भी आप हमें शेयर करें, और अगर आपको कुछ अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस विषय की जानकारी दे सकें। और अगर आपने द लड्डू को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो फटाफट कर ले पहली फुर्सत में, ताकि हम पहुँच सके आप तक सबसे पहले।